अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको डिलीशियस चिकन मशरूम की रेसिपी बनाना सिखाएंगे और साथ ही इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बताएंगे। इसमें रेबोफ्लेविन नामी एक एलिमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होता है। सबसे पहले हम चंद एक पीसेस चिकन के ले लेंगे और साथ ही हमें एक मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन चाहिए, चॉप्ड टोमेटो चाहिए और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च चाहिए। यहाँ पर मैं 1 कप मशरूम्स ले रही हूँ जो कि मैंने इस तरह से चॉप कर लिए। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून टोमेटो जूस डाल रही हूँ, उसके बाद 1/2 टीस्पून रेड मिर्चें और 1/2 टीस्पून साल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में ही मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर 2 टीस्पून मैं योगर्ट के ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गरम करके इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसमें मैं अब चॉप्ड मशरूम ऐड करूँगी। इसको अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी और बाद में एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। मशरूम्स में रेबोफ्लेविन नामी एक एलिमेंट मौजूद होता है जो कि रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है और हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है। डॉक्टर्स इसको हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ये हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। ये ब्लड में रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसमें विटामिन बी प्रेजेंट होता है जो कि रेबोफ्लेविन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और जिंक प्रेजेंट होते हैं। उसी ऑयल के अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन को ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मिनट के लिए इसके ऊपर लीड रख दिया था और साथ ही इसके अंदर मैं अनियन, टमाटो और ग्रीन चिली ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। अब यहाँ पर मैं खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी और साथ में ही साल्ट 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली 1/2 टेबलस्पून और ओरिगैनो 1 टेबलस्पून ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। दो से 3 मिनट गुजर जाने के बाद इसके अंदर फ्राइड मशरूम ऐड करूँगी और दोबारा अच्छे तरीके से फ्राई कर अब इस सबको लिड से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ जो कि 1/2 टेबलस्पून है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। हमारी रेसिपी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।